मेरा पीसी रिपेयर कर दिया है और देखते हैं काम देता है या नहीं। कि अभी इसको ऑन कर रहा हूँ भाई, बहुत आवाज़ निकल रहा है, तो देखते हैं काम देता है या नहीं। मेरे हिसाब से दे देगा भाई, 500 का खर्चा आया है इस बार भाई। इसका जो डाटा केबल वाला कनेक्शन हो ना थोटल पे था, वो नहीं कनेक्शन हो रहा था। बोला कुछ लगा लो, बोला मैं बोला इतना पैसा नहीं है, बस रिपेयर करके दो। वो सिर्फ रिस्टोर मार के दिया है भाई। अभी चेक करते हैं, देखो आपके सामने ऑन हो गया भाई। और ये मेरा छोटा सा सेटअप है जिसमें मैं अपने टीवी के नीचे ही लगाता हूँ भाई। घर वाले भी सब देखते हैं, बोर हो जाते हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा सेटअप चेंज करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन अभी इतना तो हो नहीं सकता भाई। यहाँ पे मेरे किताबें जो मैं पढ़ता था बचपन में, फाइल वगैरह सब यहाँ पे रखा है भाई, देखो। और यहाँ पे है हम थिएटर जो मेरे पिताजी ने गिफ्ट किया था। और गिटार देखो भाई कैसे पड़ा है मेरे घर में। और आयरन, मेरा कुछ लगेज और कुछ बहन के बुक बस। और ये हमारा छोटा सा बेडरूम है, जैसे कि आपको सभी को पता है। अभी ये गर्मी के सीज़न नया फैन वाला लाया था, क्योंकि पुराना में ऊपर से घर टूट गया है ना, इसलिए पानी आके जमा होके वो साउंड निकल रहा था, तो ये नया वाला लगाया है भाई। मेरे हिसाब से ये भी ख़राब हो जाएगा। ये ऑन हो गया भाई कंप्यूटर, थैंक यू भाई, थैंक यू। अभी डाटा कनेक्शन करते हैं भाई, शायद हॉटस्पॉट कनेक्ट हो जाए। चेक करते हैं हॉटस्पॉट कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तो आ रहा है सिग्नल, हो गया कनेक्टेड, हो गया लगता है भाई। हाँ हो गया, ये देख चेक करो। ये देखो भाई मेरा भाई का रूम टावर, ये देखो क्या है भाई इसमें, ये रूम में ये सब क्यों लगता है भाई। और ये देखो ये इसका गोल है, मतलब ये गोल और ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये गोल, ये सारा गोल है भाई। और यहाँ पे देखो किताबें, देखो भाई किताबें, किताबें तो ऐसा रखा है। ये देखो भाई, अरे बाप रे, नीट के ऊपर, नीट के बुक के ऊपर टिफिन बॉक्स है भाई। और यहाँ पे है इसका डस्टबिन। और यहाँ पे ये रूम का टावर दे रहा हूँ भाई, देखो ये यहाँ पे मेहनत कर रहा है ये भाई। आर्मी में जाएगा अगले साल, आर्मी नहीं कहाँ पे, मेडिकल पे जाएगा, मेडिकल, ये मेडिकल पे तैयारी कर रहा है। इसको भाई, इसको, इसके लिए थोड़ा सा भगवान से दुआ मांग लो भाई, थोड़ा सा पास कर जाए, बस इतना ही चाहते। भाई लगता है हमारे गाय सूख रहा है भाई धीरे धीरे। देखो ये वाला हड्डी बाहर आ गया है थोड़ा सा, अभी इसको घास दिया, घास भी नहीं खा रहा है, पता नहीं क्यों नहीं खा रहा है भाई। और इसको सूखी वाली घास के साथ हरा वाला घास थोड़ा सा मिक्स करके दिया रात के टाइम भाई, ताकि अच्छे से दो तीन दिन से मार रहा है भाई। क्या हुआ, दो तीन दिन से भाई अच्छे से खाना नहीं खा रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया इसको। क्या हो, शायद गुस्से में है भाई, बहुत गुस्सा कर रहा है क्या, क्या हुआ तेरे को। क्या हो भाई, साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। इसका सींग बाहर आ गया, क्या हुआ पता नहीं भाई, पता नहीं चल रहा है। डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा कल, कल डॉक्टर को बुलाएंगे। कान भी गंदे गंदे हो रखे हैं, खा खाना दिया है उधर, खा। ठंडी के कारण ही है भाई,
घर वालों को बोल रहा हूँ भाई, फिर भी नहीं सुन रहे। बताओ मम्मी को आज बोला भाई, बहुत ठंडी हो रही है इसको। चलो आज के साथ, इसी के साथ आज का ब्लॉग को ही एंड करते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना भाई। बाय। जय श्री कृष्ण।